एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है लिटरली गाइज। अब एक ऐसा मूवमेंट आएगा और इस मैच में कि जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है ना वो लाइक ठोक सकते हैं, अगर कोई नया तो सब्सक्राइब भी ठोकना। अब देखो जैसी वेनम यहाँ पर आई बस तभी पीछे से फायरिंग का साउंड आया, तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुकी है एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और भाई प्रिडिक्शन कितनी कमाल की चीज़ होती है आपको इस मैच में पता चलेगी और जिसके जरिए हमने इतने सारे किल निकाले मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। फिलहाल भाई सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मिलिट्री बेस से, जैसे ही उतरे मैंने मास्टर से गन मांगी और उसके बाद भाई ये तो क्या ही नॉक हुआ। अब दूसरा बंदा वो भाई तुरंत जल्दी से भाग जाता है क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ रुका तो जरूर मार जाएगा। खैर मेरे पास यहाँ वेक्टर थी और बंदे अभी भी घर में कूदे थे और अब सब लक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इनको गन मिली तो मैं मर जाऊंगा अदरवाइज इनकी पेटी तो बननी तय प्लस ये है। ये दूसरा बंदा नॉक। अब मुझे ऊपर से साउंड आया तीसरे बंदे का, बंदा देखा अब मैं इस बंदे का ना वेट कर रहा था कि ये बाहर आएगा लेकिन भाई ये आया नहीं। खैर अब यहाँ पे चौथा बंदा बचता है और जिसके साउंड मुझे एकदम क्लियरली आ रहे थे वो तो मैंने उठाई, लेकिन अब जरा साउंड सुनना। अब मुझे साउंड आया कि वो बाहर कूद गया है। अब मैं यहाँ पर आया पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इस बंदे को नहीं पता चला कि मैं इसके पास आ गया और इस तरीके से यहाँ पर इस मैच का पहला क्लच कंप्लीट हो जाता है और जो कि था मिलिट्री बेस में। अब देखो सी बिल्डिंग पे केवल हम लोग कूदे थे और ये एक टीम कूदी थी बट हाँ इसके अलावा और कोई टीम नहीं थी, लेकिन अब हमें बंदों को यहाँ पे ढूंढना था क्योंकि मिलिट्री बेस में भी बहुत सारे बंदे आए थे। खैर यहाँ पर एक बॉट आया और बॉट वगैरह को मारने के बाद हम जैसे इधर की तरफ आते तभी हमें गन फाइट के साउंड आए और सबसे पहले मैं आगे इधर की तरफ क्योंकि यहाँ अभी अभी किसी ने UMP-45 चलाई थी और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया तो मैंने यहाँ एक बाइक को देखा। अब तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। खैर थोड़ा सा आगे तक मेरे एक टीममेट ने बताया कि उसको यहाँ पर कोई बंदा स्पॉट हुआ। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और यहाँ तो उसने कार 98 चला के सबको बता दिया कि हम आ रहे हैं। खैर बंदे का साउंड आया भगदड़ का, अब जब इस बंदे ने गन रीलोड कर दी मुझे पता था कि अब तो भाई ये फंस गया और आगे लपेटे में, तो मैं तुरंत सीधा घुस जाता हूँ और इसके बाद ये बंदा नॉर्मली बाहर आ गया। खैर जब हम लोग यहाँ पे रश कर रहे थे तुम लोगों को पता होगा कि दूसरी साइड जो सीमेंट्री है वहाँ से कुछ फायरिंग के साउंड आ रहे थे, मतलब कि वहाँ बंदे हो सकते हैं। अब ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। खैर अब मेरी जो टीम थी वो पीछे रह गई और मैं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल आया। अब जैसे मैं यहाँ पर आया अब एक तो भाई समझ नहीं आता इस गेम के सर्वर्स को क्या हो गया, मैं गन पे यहाँ क्लिक करूँगा बट यकीन मानिए गन हाथ में ही नहीं आती है। अब देखो मेरे सामने बंदा आया वो देखो ग्रीन कपड़ा वाला, मैं गन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रही बट फाइनली उसको नॉक दिया। मैं हाथ में AKM लेता क्योंकि अब क्लोज रेंज फाइट होने वाली थी। मैंने बंदे को देख लिया कि ये कहाँ छुपा है, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची बट भाई साहब आज मैंने ग्रेनेड थोड़ा जल्दी फेंका जिसके चलते ये बंदा यहाँ से भाग गया और अब देखो यहाँ पे क्या होता है। भाई वो बंदा तो भाग गया लेकिन Watch out. अब भाई क्या आप तुम लोगों ने देखा कि वो बंदा सीधा भाग गया, मुझे लगा वो आगे होगा लेकिन भाई एक बंदा यहीं छिपके बैठा हुआ था। अब मैंने तो उसको तुरंत एक ड्रॉप शॉट दिया जिसके चलते भाई उसको मैंने मार दिया बट लेकिन वही बंदा वापस आके मेरे को नॉक कर देता है बट मेरे टीममेट ने आके मुझे वहाँ पर बचा लिया। अब इसके बाद भाई देखो तुम लोगों को पता है मिलिट्री बेस में कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें यहाँ से लेके ब्रिज तक गाड़ी मिलेगी ही नहीं और देखो ऐसे मैंने क्या करा, मैं तो आ गया पैदल, खैर टीम रह गई पीछे वही मिलिट्री बेस में और देख लो किल फील्ड में क्या चल रहा है। वहाँ मिलिट्री बेस में कुछ बंदे छिप के बैठे हुए थे और भाई उसने मास्टर कर दिया नॉक। अब जैसे उसने नॉक करा अब मुझे इंतज़ार था कि या तो वो रिवाइव हो जाए वैनम विला उसको मार दे उस एनिमी को बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैनम उसको नहीं बचा पाती और वो मेरे पास आ जाती है। अब जैसे वो मेरे पास आती है भाई साहब यहाँ एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है लिटरली गाइज। अब एक ऐसा मूवमेंट आएगा और इस मैच में कि जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है ना वो लाइक ठोक सकते हैं, अगर कोई नया तो सब्सक्राइब भी ठोकना। अब देखो जैसी वैनम यहाँ पर आई बस तभी पीछे से फायरिंग का साउंड आया, भाई साहब तीन बंदे नॉक।
अब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ चौथे बंदे का, लेकिन तभी मैंने एक प्रिडिक्शन लगाई कि हो सकता है इनका चौथा बंदा पीछे रिकॉल टावर पर रुक गया और वो इनको रिकॉल कर देगा और ये वापस आ जाएंगे। अब प्रिडिक्शन से मुझे याद आया कि आप भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं बीज माई वेलरेंट, फ्री फायर, लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे गेम्स के टूर्नामेंट पर और जीत सकते हैं ढेर सारे पैसे। जी हाँ गाइस, अब 1x बेट पर अपने फेवरेट गेम्स के टूर्नामेंट पर भी पैसे जीत सकते हैं। और अगर मेरी लिंक का यूज करेंगे और मेरे प्रोमो कोड का, तो गाइस आपको 13,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, जिनको कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रिडिक्शन में। और जीते पैसों को आप चाहो तो UPI, बैंक अकाउंट, पेटीएम, जिस तरीके चाहो वैसे विड्रॉ कर सकते हो। अब ये एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है जिसके पार्टनर युवराज सिंह और ड्वेन ब्रेवो जैसे बड़े प्लेयर्स हैं। तो वेट मत करो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक एंड प्रोमो कोड पिंड मिल जाएगा, तो गाइस ट्राई करो। और यार 13,000 रुपए का बोनस कोड लेना तो बनता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई प्रिडिक्शन, जैसी मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाई हम यहाँ, अब यहाँ हमें बंदे मिले। सबसे पहले तो मैंने एक बंदे को नॉक किया, लेकिन दूसरा बंदा वो इस वाले घर में आ गया। मैं उसकी तरफ जैसी बढ़ा, मुझे खिसकने का साउंड आया। अंदर घुसता हूं, बट भाई इस बंदे के पास देखो क्या थी, यूजी, और चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि ये अभी अभी रिकॉल होके आया था। दूसरा बंदा एक और दिखा, ये भी मारा गया। बट अब इस प्रेडिक्शन के जरिए हमने यहाँ पर एक स्क्वाड को ही नहीं, न जाने भाई कितनी स्क्वाड्स को मारने वाले हैं। जी हाँ भाई साहब, अब जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक बग्गी का साउंड आया। जैसे ऊपर आता हूँ, बंदा नीचे था, मैं कूदा, लेकिन तभी भाई फिर से ड्रॉप शॉट ने बचाया। और अब दिखता है मुझे एक और बंदा। भाई साहब कसम से इतने बंदे रिकॉल हुए, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। खैर अब मैं ग्रेनेड फेंकने की बजाय मॉली फेंकता हूं। अब ग्रेनेड मैंने इसलिए यहां पर नहीं फेंका क्योंकि हो सकता है वो भी मेरे पे ग्रेनेड करते हैं, इसलिए मॉली फेंक के उसे पहले डिस्टर्ब करते हैं। अब ये बंदा भाई असली था और ऑफलाइन खड़ा हुआ था। और फाइनली भाई साहब अब जाके हम लोग मास्टर को रिकॉल करने वाले थे। तो गाइज ये पूरी फाइट कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अब इसके बाद में हम लोग ब्रिज की तरफ वापस आते हैं, हमें ब्रिज क्रॉस करना था, तभी मुझे सामने ओपन में बग्गी दिखाई दी और एक बंदा भी। मैं तुरंत आया, लेटा, और अब देखो अब इस बंदे को मैंने जैसी नॉक किया, मैंने तुरंत कॉल दी कि भाई सीधा उन पे रश करो। अब आप सोच रहे हैं पैदल पैदल क्यों जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद कोई बंदा यहां ना बैठा हो। अब जैसे ही मेरे एक टीममेट आगे गए, तो सबसे पहले तो मैं इसको कवर देता हूं, लेकिन जब उसने बंदे स्पॉट किए तो उसने मेरे को बताया कि यहां पर भाई एक नहीं दो बंदे, और जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो भी रिवाइव हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे बंदा स्पॉट होता है, लेकिन भाई वो हल्का सा बच गया। और यहां आप तुम देखो ये वाला मूवमेंट भाई, मतलब मैं क्या ही कवर में आया, नॉक होते थे बचा, लेकिन बंदों को शायद पता चल गया कि मैं नीचे आ चुका हूं। एक बंदा नॉक किया, बचा दूसरा, और ये बंदा ऊपर से कवर लेने के चक्कर में मुझे नहीं देख पाया, और जिसके चलते इन दोनों को भाई हमने आराम से मार दिया। अब मैं कल कमेंट पढ़ रहा था अपनी वीडियोस के, तो काफ़ी सारे बंदे पता क्या लिख रहे, भाई खुला हैक यूज़ कर रहा है। भाई इसमें हैक यूज़ करने जैसी कौन सी चीज़ है, मुझे कहीं भी बताओ कि क्यों हैक लग रहा है तुम लोगों को। लिटरली समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या मार दिया। नॉर्मल है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप भी इस्तेमाल करो, आप भी अच्छा मारोगे। अब मुझे समझ नहीं आता, और इसीलिए तो हम लोग गेम प्ले जानते हैं कि जो हम अपना बैज दिखा मतलब रिकॉर्ड करते हैं या फिर जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो हम बाकियों को दे पाएं। खैर अब ये सब छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेरी। और यहाँ देखो भाई आते जो हम दो टीम के बीच में फंसे ना, अपनी हालत ख़राब होने वाली है। अब एक टीम पीछे और एक ऊपर, अब यहाँ पर हमने पीछे दो बंदों को नॉक दिया, लेकिन तभी एक और स्नाइपर चली और इसको भी मैंने मार दिया, लेकिन अभी सामने कुछ बंदे बचे थे। अब यहाँ पर मैं अपने टीममेट जो कि नॉक था उसको रिवाइव देता हूँ, लेकिन तभी मास्टर ने मेरे को बताया कि एक बंदा शायद यहाँ पर है। अब सबसे पहले जैसे मैं इसको रिवाइव दिया मैं आगे आया,
और मैंने एक अनकुक ग्रेनेड फेंका। अब वो इसलिए ताकि अगर वो हम पे ग्रेनेड कर रहा है तो एक सेकंड के लिए वो ये सब ना करे, लेकिन तभी मास्टर का ग्रेनेड जाता है और उस बंदे की पीटी बन जाती है। तो भाई यहाँ का तो मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यहाँ जो हम लोग बचे हैं ना, बस किस्मत थी हमारी। खैर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अरे तो लूट होगी तो तभी तो आएंगे, गाड़ी क्योंकि है ही नहीं। लेकिन तभी जहाँ हमने उस टीम को मारा था वहीं से एक फायर का साउंड आता है। लेकिन यार ये उस टीम का बंदा नहीं था, क्योंकि वो टीम तो मैंने खुद पूरी मार दी थी लास्ट बंदे के साथ में। अब मैं यहाँ पर आता हूँ उस बंदे को देखने के लिए आखिरकार उस बंदे ने मारा कहाँ से, एंड तभी मेरे को बंदा ऊपर में स्पॉट हुआ। तो बस भाई इस आखिरी बंदे के साथ में ये वाला इलाका यहाँ से खाली हो चुका है और अब हमें आगे बढ़ना, क्योंकि देखो हम जोन से 300 मीटर दूर थे। अब यहाँ पर देखो मैं बग्गी लेके आता हूँ और तुम लोगों को एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप लोग सोचेंगे क्यों भाई मैं जोन में क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो ये वाले वेयर हाउस में अक्सर बंदे होते हैं। और आज जब मेरा शक तो तब बढ़ा जब मैंने यहाँ पर बग्गी रोकी एंड तभी मुझे एक और बग्गी दिखाई दी, तो मैं समझ गया कि भाई देख यकीनन यहाँ बंदे हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि होंगे लेकिन हो सकते हैं। कंफर्म करने के लिए हम लोग रुकते हैं क्योंकि अक्सर आप बंदे जोन के बाहर से भी खेलते हैं, एंड तभी देखो ये बंदा हमें स्पॉट हुआ। जैसे इसको नॉक किया, वेट करा पहले कहीं कोई और बंदा है कि नहीं। और ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूं, कि आप जब भी कभी एक बंदे को नॉक करो उसे तुरंत फिनिश मत करो, पहले वेट करो किसी और का, जब कोई नहीं आता उसको फिनिश कर दो। खैर अब देखो हम लोग आ चुके थे जोन में, क्योंकि अब हमें जोन में आना ही था, एंड उसी दौरान हमारे एक टीममेट पर गोलियां चलती हैं, वो नॉक हुआ। हाँ भाई एक बंदे को नॉक करके बंदा बहुत छोड़ा होकर ओपन में आ गया, तो इसको ये नहीं करना था। अब जैसे इसे नॉक किया ये ओपन में आया, फिर मैंने भी इसे यहाँ पर नॉक कर दिया। अब मैं इंतजार करता हूँ यहाँ पर दूसरे टीममेट का, क्योंकि अब मैं उसे फिनिश भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी कवर में था। तो यहाँ पर मैं बैठ के बस इंतजार करता रहा कि इसका टीममेट किसी ना किसी तरीके से तो इसको बचाएगा, एंड तभी स्पॉट हुआ दूसरा बंदा। और भाई ये दोनों भी आराम से मारे गए, 27 किल मेरे हो चुके थे, 10 बंदे अलाइव थे जिनमें से कि तीन हम मतलब सात और जिनसे फाइट लेनी है। तो क्या आज हम लोग 30 किल का ये आंकड़ा कंप्लीट कर पाएंगे? काफ़ी सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे टीममेट्स किल नहीं करते। हाँ ये बात सच है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की डिमांड्स रहती है कि हमें हाई किल्स चाहिए, तो पर ऐसी बात नहीं है कि भाई वो लोग बस तभी मारेंगे जब मैं नॉक हो जाऊंगा, लेकिन हाँ उस दौरान वो बस मेरा सपोर्ट करेंगे। खैर अब लोग यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देखो स्मोक हो रहा था, और इस दौरान जब मैं गेम प्ले बना रहा होता हूँ तो उस टीम को आईजेल मतलब कि मैं ही लीड कर रहा होता हूँ, बस मेरे टीममेट्स मेरे कॉल्स का वेट करते हैं और जब मैं बोलता हूँ बस उसी के दौरान पूरा गेम होता है। खैर यहाँ पर देखो अब मैंने बोला कि चलो स्क्वाड हाउस पे रश करते हैं, मैं पहुँचा मेरे स्पॉट के ऊपर दो बंदे, टीम को बताया और यहाँ पर मैं ग्रैंड करने वाला था, तभी देखो वो बंदा नीचे कूदा। लेकिन भाई साहब दो बंदे नॉक अपने, और भाई ये दोनों के दोनों बंदे पता है किस लिए मारे गए? पहला बंदा मारा गया क्योंकि वो मुझे फिनिश कर रहा था, और दूसरा बंदा मारा गया क्योंकि वो मास्टर को फिनिश कर रहा था। अब ये चीज़ को जाके ध्यान से देखना, तो मैं आपको यही बोलता हूँ हमेशा कि कभी भी पहले नॉक को फिनिश मत करो, पहले वेट करो कि उसका कोई और टीममेट आए। अगर ये लोग वेट करते तो ये लोग वैनम को भी मार देते और हमारी टीम यहीं एलिमिनेट हो जाती। खैर इसके बाद मैं देखो यहाँ पर वेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि अब तीन बंदे बचे थे, मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही टीम के होंगे क्योंकि स्क्वाड चल रहा है। तो बट यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया, एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर वैनम फायरिंग करती और बताती कि भाई जस्ट अपोजिट वाली हिल पे उसे कुछ बंदे स्पॉट हुए। बस अब जैसे मेरे को ये बात पता चली मैं गाड़ी लेके उधर की तरफ निकल पड़ता हूँ। अब भाई ये बंदे इतने लिट हो गए कि यहाँ से पीछे ही भाग गए हिल के, पता समझ रहे हो, क्योंकि उनको पड़ रही थी क्योंकि बेसिक उन्होंने स्मोक तो कर लिया लेकिन कवर के लिए वहाँ एक ही पेड़ था और एक पेड़ पे वो कितने लोग कवर लेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आईक्यू वाला सेंस था। खैर अब यहाँ पर मैं चुपचाप आ गया, इन बंदों के बाद नहीं पता थी। एक बंदा नॉक, मौका था तो फिनिश कर दिया, प्री फायर देता हूँ। एक और बंदा नॉक, अब केवल एक लास्ट बंदा बचता है, और अब तुम इस बंदे को देखो,
अभी मैंने जंप करा था लेकिन मैंने इससे इसीलिए टीम अप नहीं करा क्योंकि भाई अभी मैंने टीम्स को मारा और अगर गलती से कुछ होता है ना तुम समझ सकते हो भाई, तो सॉरी मैं इस बंदे को और क्या बोल सकता हूँ, बाकी लव यू मेरे भाइयों। तो गाइज ये था आज का पूरा गेम प्ले और हाँ भाई हमने 30 का आंकड़ा इस बार पार कर लिया है। तो फिलहाल गाइज मेरी रैंक स्क्वाड में क्राउन के आसपास आ चुकी है एंड डुओ में तो आप लोगों को पता है मैंने कॉन्करर किया था, तो मैं अभी रैंक पुश नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज क्योंकि अकाउंट बैन हो रहे हैं बेफालतू में, मेरा ऐसा मानना है। बट लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं तुम हैक यूज़ कर रहे हो, तो मैं क्यों हैक यूज़ करूँगा? एक बात बताओ, मेरा अकाउंट पिछले सीजन बैन हुआ था, ठीक है, एक दिमाग वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, और बैन हुआ था, ठीक है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हैक करने की वजह से बैन हुआ था, तो अगर ये बात सच है तो मैं दोबारा क्यों हैक यूज़ करूँगा? कोई भी हैकर जब उसका अकाउंट बैन हो चुका ऑलरेडी हैक यूज़ करेगा, वो दोबारा क्यों करेगा? हर बार क्यों करेगा? डेली कभी 24 घंटे में बैन हो रहा है, कभी 48 घंटे, कभी दो दिन में, एक हफ्ते में? नहीं भाई साहब, कोई इतना पागल नहीं है कि अगर वो हैक यूज़ कर रहा है तो वो बार बार यूज़ करेगा, बार बार बैन होगा, नहीं नहीं नहीं। और खासकर से अगर वो क्रिएटर है तो नहीं, तो इस बात पर थोड़ा सा आप दिमाग डालिए। खैर देखो, मैं ये बात उन लोगों को बता रहा हूँ जो कन्फ्यूज हैं, जिनको दिमाग में गलत डाउट्स हैं, बाकी तो ये गलत डाउट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बार ट्राई जरूर करा 1xBet, तो मेरा कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन मिल जाएगा जहां पे आप ऑब्वियसली 13,000 रुपए का जो वेलकम बोनस है उसका यूज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स गाइस, बाय बाय।